नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। जमीन कब्जाने के लिए भूमाफियाओं ने दलित के घर पर चला दिया बुलडोजर, तीन गिरफ्तार। शहर में भूमाफियाओं के हौसले कितने बुलंद है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीते दिन भूमाफियाओं ने एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति के जमीन पर बुलडोजर चला दिया, जमीन पर कब्जा करने की नीयत से मकान को ध्वस्त कर दिया। जैसे ही पुलिस को मामले की शिकायत मिली, तत्काल कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मौसम समाचार, अगले 24 घंटे में होगी भारी बारिश और ओलावृष्टि, रेड अलर्ट जारी। उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी प्रदेश के मैदानी और पहाड़ी जनपदों में गरज के साथ भारी बारिश का पूर्वानुमान है। इसके साथ ही कहीं कहीं ओलावृष्टि की संभावना है। इसके लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड मौसम विभाग ने सरकार, शासन और आपदा प्रबंधन विभाग को आज भी सतर्क रहने के लिए कहा है। पौड़ी PWD स्कैम, 31 लाख के गबन का आरोपी PWD कर्मी गिरफ्तार, लैंसडाउन में पकड़ा गया। कहते हैं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, ऐसा ही कुछ पौड़ी जिले में देखने को मिला। यहां PWD का एक कनिष्ठ सहायक 31 लाख रुपए से ज्यादा का सरकारी धन गबन करके फरार हो गया था, लेकिन गबन का ये आरोपी ज्यादा दिन पुलिस को चकमा नहीं दे पाया। पुलिस ने आरोपी कनिष्ठ सहायक परमेंद्र सिंह को लैंसडाउन से गिरफ्तार कर लिया। हरिद्वार पुलिस ने करेगी गंगा घाटों की सफाई, SSP ने विष्णु घाट लिया गोद। हरिद्वार में गंगा घाटों की सफाई का जिम्मा अब हरिद्वार पुलिस ने उठाया है। SSP हरिद्वार अजय सिंह ने विष्णु घाट को गोद लिया है। अब हर रविवार को पुलिस जनता के सहयोग से इस घाट पर सफाई की जाएगी और जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। नैनीताल में अनियंत्रित होकर 300 फीट गहरी खाई में गिरा पिकअप वाहन, एक की मौत, एक घायल। गुलाब घाटी क्षेत्र में पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं वाहन चालक घायल हो गया। बताया जा रहा है कि युवक वाहन में लिफ्ट लेकर हल्द्वानी से अपने घर जोली कोट जा रहा था। हादसे के बाद घायल वाहन चालक ने पुलिस के पास पहुंचकर घटना के बारे में बताया। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस, SDRF और फायर सर्विस की टीम ने रेस्क्यू कर युवक को बाहर निकाला। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भारत जोड़ो यात्रा का श्रीनगर में समापन आज, उत्तराखंड कांग्रेस मुख्यालय में फहराया जाएगा तिरंगा। भारत जोड़ो यात्रा का आज अंतिम दिन है। राहुल गांधी आज श्रीनगर मौलाना आजाद रोड स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में झंडा फहराएंगे। इसके बाद SK स्टेडियम में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी कड़ी में उत्तराखंड में भी आज प्रदेश मुख्यालय समेत सभी जनपदों के लिए घायलों में तिरंगा फहराया जाएगा। उत्तराखंड पुलिस के 11 दरोगा प्रमोट, इन्हें मिले इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी। उत्तराखंड पुलिस के 11 उपनिरीक्षकों को पदोन्नति का तोहफा मिला है। लंबे इंतजार के बाद अब ये जिम्मेदारी मिली है। प्रदेश में लंबे समय से निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद खाली चल रहे हैं, जिसके बाद इन पदों पर उपनिरीक्षकों को पदोन्नति दिया गया है। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के प्रयास, जल्द विश्वविद्यालयों में लागू होगा समान शैक्षणिक कैलेंडर। उत्तराखंड में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सभी राजकीय विश्वविद्यालयों में एक जैसा शैक्षणिक कैलेंडर लागू करने की कवायद चल रही है। वहीं कैलेंडर जारी होने से छात्र छात्राओं को भी सहूलियत होगी। वहीं अब तक प्रदेश में छात्र छात्राओं की परीक्षाएं समय पर नहीं हो पाती थी और परिणाम घोषित करने में भी देरी होती है, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। प्रदीप टम्टा ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश, BJP पर लगाया देश तोड़ने का आरोप। 26 जनवरी से कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है। इसी के तहत आज बागेश्वर जिले में यात्रा के अल्मोड़ा लोकसभा प्रभारी प्रदीप टम्टा ने कार्यकर्ताओं संग बैठक की, जिसमें उन्होंने यात्रा को सफल बनाने के लिए एकजुट होने को कहा। साथ ही सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा को देश की एकजुटता से कोई वास्ता नहीं। सामल्टा गांव में महासू चालदा देवता विराजित, भक्तों ने चढ़ाया चांदी का शेर और छत्र। विकासनगर के गाँव सामल्टा गांव में नव निर्मित मंदिर में महासू चालदा देवता 1.5 साल के लिए प्रवास पर विराजित हैं। उनके दर्शन के लिए भक्त दूर दूर से बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। कल फटेव गांव के लोगों ने चांदी का शेर और पनावा गांव की लड़कियों ने चांदी का छत्र महासू देवता को भेंट किया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले रेलवे की जमीन पर संयुक्त सर्वे, 1959 के राजस्व मैप खंगाल रही टीम। हल्द्वानी बनबूलपुरा रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण मामले में 7 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। उससे पहले मौके पर सर्वे शुरू किया गया, जिसमें राजस्व भूमि और रेलवे की भूमि का सीमांकन किया जाना है। सर्वे से पहले मौके पर भारी पुलिस बल तैनात की गई। नैनीताल के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अशोक जोशी ने कहा कि क्षेत्र के 1959 के राजस्व मानचित्र के आधार पर सर्वेक्षण किया जा रहा है। वोटरों की संख्या बनी टेंशन, उत्तराखंड में 10 साल में कैसे बढ़े बेतहाशा वोटर्स, इलेक्शन कमीशन ने दिए जांच के आदेश। उत्तराखंड में 10 सालों में अचानक तेजी से बढ़े वोटरों की संख्या ने चिंता बढ़ा दी है, जिसका चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए जांच के निर्देश दिए हैं। चुनाव आयोग के निर्देश पर राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को कमेटी गठित कर जांच करने के निर्देश दिए हैं। स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी में बिजली विभाग, ये होंगे फायदे। केंद्र से बजट रिलीज होने के बाद अब ऊर्जा निगम राज्य में स्मार्ट मीटर प्लान लागू करने की तैयारी में जुट गया है। फिलहाल ऊर्जा विभाग की तरफ से राज्य के 16 लाख उपभोक्ताओं के लिए इस प्लान को शुरू करने की कोशिशें की जा रही हैं। इसी के जरिए प्रदेश में प्रीपेड मीटर सिस्टम की शुरुआत भी की जाएगी।
ऊर्जा सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने दावा किया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिलिंग को लेकर एक्यूरेसी बढ़ेगी, जिसके जरिए प्रीपेड मीटर सिस्टम की शुरुआत हो जाएगी। इस सिस्टम को सरकार कार्यालयों में भी लागू किया जाएगा, जिससे गैर जरूरी बिजली के खर्चों को कम किया जा सकता है। इसके अलावा एबी केबल भी लगाने की तैयारी है, जिससे बिजली चोरी को रोका जा सकेगा। केदार घाटी की दिव्या ने पूरा किया सांकरी केदार कांठा ट्रैक, फहराया तिरंगा। केदार घाटी उत्तरकाशी की रहने वाली 21 वर्षीय दिव्या अग्रवाल ने उत्तरकाशी के सांकरी केदार कांठा 12 किलोमीटर पैदल ट्रैक को फतह कर लिया। दिव्या अग्रवाल ने 12,500 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहराकर केदार घाटी का नाम रोशन किया। दिव्या अग्रवाल की सफलता पर केदार घाटी में खुशी की लहर है। दिव्या अग्रवाल की इस सफलता पर विभिन्न सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों, ग्रामीणों व परिजनों ने खुशी व्यक्त की है। ऋषिकेश में बीजेपी कार्य समिति की बैठक संगठन ने सौंपी जोशीमठ पर रिपोर्ट। ऋषिकेश के रायवाला में उत्तराखंड बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई, यह 2 दिवसीय बैठक है। कल पहले दिन की बैठक संपन्न हो गई। इस बैठक में निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा की जा रही है। बैठक के दूसरे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। वही जोशीमठ पर तैयार रिपोर्ट को संगठन को सौंपा गया है। सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाला फरार आरोपी गिरफ्तार। खटीमा पुलिस ने सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से 3 फर्जी नियुक्ति पत्र, 2 लाख से अधिक की रकम भी बरामद की गई है। आरोपी के सहयोगी को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। बुजुर्ग को तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, मौके पर मौत। हरिद्वार में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। वहीं कनकल थाना क्षेत्र में हाईवे पर सड़क दुर्घटना में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। पर्वतीय जिलों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी होगी दूर, ये है प्लान। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी को दूर करने का प्रयास तेज कर दिए गए हैं। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने मास्टर प्लान तैयार किया है, जिसके तहत पर्वतीय जिलों में विशेषज्ञ चिकित्सकों को निजी क्षेत्र की तरह तमाम सुविधाएं और इंसेंटिव दिया जाएगा। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।